कॉलेज का छात्र हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे दो प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या एक जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जैसे कि मैं अभी बहुत कच्चा हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, पर मैं क्योंकि शहर में नया हूँ, मैं नहीं जानता कहाँ पर मैं इसको अभी खोज रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा गुरु मिल जाए, लेकिन फिलहाल मैं अभी किसी गायक से क्या मैं सीख सकता हूँ? बहुत जरूरी। और क्या गायक जो सिखाएंगे वो और जो कोई बांसुरी बजाते हैं वो सिखाएंगे, उनसे कोई फर्क पड़ेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आपने भारतीय संगीत बजाना है जी, तो गायक से सीखें तो बहुत अच्छा रहेगा जी, है ना? और मेरा दूसरा सवाल ये था कि किसी भी राग को अगर मुझे उसके बारे में जानना है तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी चाहिए? पहली चीज आपको उस राग का नाम लेके जितनी आपको सुनने को रिकॉर्डिंग्स मिले उसको सुनिए और उसके बारे में थोड़ा समझिए कि क्या कहता है, इसका मूड क्या है, ये जब राग बजता है तो आपको कैसा लगता है, कहाँ कहाँ पर आपको अच्छा लगता है, कहाँ कहाँ पर आपको डिस्टर्ब होता है, फिर उसके बाद में आप इसको राग को सीखना शुरू करिए तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा और बहुत अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस करने के लिए भी अच्छा लगेगा और बजाने के लिए तो बहुत ही आनंद आएगा। और प्रैक्टिस में सबसे पहले क्या, मतलब क्या चीज़ सबसे अलंकार? एक तो उसकी पहले खूबसूरती क्या है, आपको क्यों अच्छा लगता है राग, या आप क्यों सीखना चाहते हो उस राग को, फिर उसका चलन कैसा है, उसका अलंकार कैसा है, फिर अलंकार को रियाज करें और सुने दूसरे को, हर जो भी चाहे इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वोकल हो, उस राग को जो पर्टिकुलर राग को आप करना चाहते हैं सुने उसको, तो उससे और भी आपको ज्ञान मिलेगा और फिर इसको रियाज। धन्यवाद गुरु जी। अभी फिलहाल एक और प्रश्न आ गया मेरे दिमाग में, ये कि जब बांसुरी हम बजाते हैं, जैसे कि मैं चूंकि अभी मैंने कभी किसी बांसुरी बजाने जो बड़े लोग हैं उनसे कभी सीखा नहीं, मैंने हमेशा किसी गायक से सीखा है, मेरे स्कूल के टीचर से सीखा है, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत बांसुरी बजाने में ये आती है कि म और प का जब हम लोग वो बदलते हैं म प करके, उसमें हमेशा म प हल्का सा वो मीड अच्छे से नहीं आ पाता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दे तो बहुत। वो सिर्फ बांसुरी में ही नहीं, वो हर वाद्य में जब ऑक्टेव चेंज होता है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, ये तो भगवान का बनाया हुआ नहीं वाद्य, हमने बनाया, लेकिन जो गला हमारा है उसमें हमको कभी ये प्रॉब्लम नहीं। तो हम अगर वो सोच के जो हम गाने में सीख रहे हैं, अगर वो सोचेगा हम उसमें गा रहे हैं तो वो भी आपको सब डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी नहीं डिस्टर्ब करेगा, उस वो सोच के आप रियाज करेंगे तो। वैसे सब में ऑक्टेव चेंज होता है, हर वाद्य में, गले में नहीं होता, ठीक है? और कुछ समा और कुछ पूछना अभी कुछ नहीं दिमाग में आ रहा। ओके, थैंक यू। सर, आई एम कार्तिका फ्रॉम हिंदू कॉलेज। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम समय के अनुसार हम कोई भी राग गाते हैं तो क्या डिफरेंस और क्या सिग्निफिकेंस आता है, मतलब जब हम उसे टाइमली, अगर जैसे कि दोपहर का राग आपने बताया, जब हम दूसरों के लिए गाते हैं तो हम समय को देखते हैं, क्योंकि हमको हमारे गुरु कहते हैं कि राग रागिनी जब आपको गाना है तो समय के हिसाब से गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं उसका, जब उसका अध्ययन करते हैं तब हम समय नहीं देखते, हम कमरा बंद करते हैं और अपने हिसाब से उसको रियाज करते हैं, भैरवी चाहे रात को गाएं, मालकों से चाहे सुबह गाएं, प्रयास के लिए अभ्यास, लेकिन अगर हमको सही माने में बैठ के गाना है, दूसरों को सुनाना है तो हम उसको समय के हिसाब से गाना बहुत जरूरी है, उसका फिर वो वातावरण नहीं बनता और उसके लोगों को इफेक्ट नहीं होता। अगर रात को हम बागेश्वरी सुबह गाएं और रात को हम भैरव गाएं, उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए समय का देखना बहुत जरूरी है। Sorry everyone, due to time constraint, we'll not be taking any more questions.
But thank you for showing such an encouraging response. Also, thank you, sir, on behalf of all of us for such a spiritual retreat to both our ears and souls. We're extremely humble. Thank you so much. Thanks to them and Dr. Kirat. I request everyone to kindly give a standing ovation to Pandit Hariprasad Chaurasia ji and the accomplished artist. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए फेलिसिटेशन के लिए. आई रिक्वेस्ट श्रीमती कुंदा महाकर मैम एंड आवर प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा मैम to kindly come up on the stage and felicitate Pandit Hariprasad Chaurasia ji with a token of love. Thank you, ma'am. Now I request Romila ma'am, Sanjeev sir, and Monica ma'am to come forth and offer a token of gratitude to Ustad Rashid Mustafa ji, Sri Vivek ji, and Sushri Vaishnavi ji.